और बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे, आपको बता दें कोरोना ब्रेकिंग से जुड़ी बड़ी खबर भिवानी से, जहां पर कोरोना को लेकर अच्छी खबर चलिए भिवानी से यहां पर आई है, वो ये कि 4 मरीजों में से 2 पूरी तरीके से ठीक हुए हैं। ये एक राहत भरी खबर। इस बीच में दिल्ली पुलिस में कार्यरत जवान ठीक हो गए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोरोना ब्रेकिंग। तो पुलिस कर्मी के परिजनों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, जिसके बाद परिवार ने राहत की सांस ली है। जेल वार्डन के परिवार की भी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। तो बता दें भिवानी से बड़ी खबर कोरोना को लेकर, ये अच्छी खबर राहत भरी खबर आपको बता रहे हैं हम। 4 मरीजों में से 2 मरीज अब पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, जिनमें आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस में कार्यरत एक जवान जो है वो भी अब ठीक हो गया है। उसके जो परिवार वालों की रिपोर्ट है वो भी नेगेटिव आई है। बता दें आपको कि दिल्ली में कार्यरत ये जो जवान है वो जब अपने गांव अपने घर पहुंचा था, तो उस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने पर भी जब उसका चेकअप हुआ तो उसको कोरोना पॉजिटिव आया था। लेकिन अब राहत भरी खबर ये है कि दिल्ली पुलिस में कार्यरत वो जवान है उसकी वो भी पूरी तरीके से ठीक हो गया है। 4 मरीजों में से 2 मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। तो दिल्ली पुलिस में कार्यरत जवान ठीक हो गया है। भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर, राहत देने वाली खबर। इस बीच कोरोना संक्रमण के बीच अब जो जानकारी हम आपको ये भी दे रहे हैं कि जो कोरोना मरीज जो संक्रमित मरीज हैं वो धीरे धीरे करके ठीक हो रहे हैं। हालांकि अभी भी पूरी तरीके से खतरा टला नहीं है, लेकिन भिवानी में आपको बता दें कोरोना को लेकर ये बहुत अच्छी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 4 मरीजों में से 2 मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी अब बचे 2 मरीज जिनका इलाज अभी चल रहा है। दीपक मुटरेजा संवाददाता भिवानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, कोरोना संक्रमण का खतरा अभी हालांकि टला नहीं है, लेकिन भिवानी से अच्छी खबर, ये राहत देने वाली खबर है हरियाणा के संदर्भ में कि 4 में से 2 मरीज भिवानी में जो कोरोना संक्रमित हैं वो ठीक हो चुके हैं, जिनमें दिल्ली पुलिस में कार्यरत जवान भी है। जी, आपको बता दूं कि प्रकार से भिवानी के अंदर शुरुआती दौर में 2 मरीज आए थे, दोनों ही जमाती थे, उनके बाद दोनों का ही इलाज भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल में किया गया, दोनों ही व्यक्ति ठीक हो गए थे। उसके बाद एक मरीज आया जो कि भोनसी जेल में जेल वार्डन के तौर पर कार्यरत था, वो भिवानी के ही गांव का निवासी था। उसके बाद उसका उसे जो है गुरुग्राम के अंदर ही एडमिट कराया गया। उसके परिवार के सभी लोगों की रिपोर्ट्स भी चेक की गई, उनके परिवार के सभी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई थी। उसके बाद भारत नगर भिवानी के अंदर जो कि एक व्यक्ति दिल्ली पुलिस का जवान था, उसको कोरोना पॉजिटिव हुआ था, वो भी दिल्ली के अंदर उसका इलाज चल रहा है। उसके परिवार की भी सभी की सभी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी नेगेटिव आई है। इसके बाद भिवानी के लोगों ने राहत भरी सांस ली है, क्योंकि भिवानी के लोग काफी घबराए हुए थे, क्योंकि 7 व्यक्तियों का क्वारंटाइन किया गया था, भारत नगर के ही निवासी थे, और सभी की रिपोर्ट जो है कल जिस प्रकार से दोपहर बाद जो रिपोर्ट आई है, सभी की रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है। काफी लोग जो है अब राहत भरी फील करते हैं। दीपक, हालांकि फिलहाल अभी स्थिति यहाँ भिवानी की क्या बनी हुई है और लोग नियमों का कितना पालन कर रहे हैं लॉकडाउन को लेकर, अगर हम बात यहाँ पर करें? बिल्कुल, भिवानी के लोग जो नियमों का पालन है पूर्ण रूप से कर रहे हैं, लॉकडाउन की पूर्ण पालना भी कर रहे हैं। हालांकि किताबों की जो दुकानें खुली है उसकी वजह से थोड़ी बहुत आवाजाही बढ़ी है, क्योंकि सभी लोग अभिभावक जो है किताबें लेने के लिए प्रतिदिन बेशक से आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने भी जो दुकानें हैं वो 12 बजे तक खोलने की ही अनुमति दे रखी है। 12 बजे के बाद पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया जाता है। पूर्ण रूप से प्रशासन सरकार जो है सख्ती से काम करती है। पुलिस भी 24 घंटे यहाँ मुस्तैद है पूर्ण रूप से बैरियर के ऊपर। किसी को भी अनावश्यक रूप से घूमने की इजाजत भिवानी के अंदर नहीं है। दीपक, हालांकि अभी फिलहाल जो 2 मरीज बताए जा रहे हैं उनका भी इलाज अभी जारी है, अभी क्या कुछ अभी कुछ जानकारी मिल पा रही है कि उनकी रिकवरी रेट अभी क्या बताई जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से? क्योंकि अगर ये 2 मरीज ठीक होते हैं तो पूरे तरीके से भिवानी जो है वो कोरोना मरीज जो संक्रमण मुक्त हो सकता है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो एक मरीज है जो कि भिवानी ये भोनसी जेल के अंदर कार्यरत था जेल वार्डन के तौर पर, उसका इलाज गुरुग्राम के अंदर चल रहा है। वहीं जो दिल्ली पुलिस का जवान है उसका इलाज जो है दिल्ली के अंदर चल रहा है। हालांकि उनके परिवार वालों और जो लोग जो सूचनाएं मिल रही है उनकी वजह से सूचना मिल रही है कि उनकी हालत पहले से काफी सुधार है, उनकी हालत में काफी ठीक भी बताई जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ये राहत भरी खबर हम आपको बता रहे हैं भिवानी से, वो ये कि 4 में से जो 2 मरीज हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, यानी कि भिवानी में कोरोना संक्रमण का जो खतरा है उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल यहाँ पर किया जा रहा है। और सबसे राहत भरी खबर ये कि जो भिवानी के लोग हैं, जो भिवानी वासी हैं,
वो पूरी तरीके से नियमों का पालन भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से भिवानी में कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो बेहद कम से भी कम हो गया है।